दोस्तों अगर आप भारतीय टीम को बेहतरीन टी20 टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज जीत चुकी है और दोनों ही सीरीज में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप भी किया है और इसके बाद भारतीय टीम का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया है और अब भारतीय टीम का अगला मिशन श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने का है। और इस सीरीज के शुरू होने से पहले श्रीलंका के दिग्गजों ने भारतीय टीम को एक हैरतअंगेज चुनौती दी है और चुनौती देते हुए बयान भी जारी किए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं श्रीलंका के दिग्गजों ने क्या कहा है भारतीय टीम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है श्रीलंका सीरीज में किस खिलाड़ी से बचकर रहना होगा भारतीय टीम को, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी 17 रन से हरा दिया है और इस जीत के साथ टीम इंडिया टी20 रैंकिंग में भी पहले स्थान पर पहुंच गई है। दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 185 रन बनाए, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने 31 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली। तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद रहे और दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 37 गेंदों पर 91 रन की साझेदारी हुई, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 167 रन ही बना सकी, जिसमें विंडीज की ओर से निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली और इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड ने 21 गेंदों पर 29 रन बनाए और मुकाबले को 17 रन से भारतीय टीम जीत गई। तो वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम को श्रीलंका के साथ खेलना है, जिसके लिए श्रीलंका के खिलाड़ी तैयार हैं और श्रीलंका के दिग्गजों ने भारतीय टीम को चुनौती दी है, जिसमें कुमार संगकारा ने कहा है कि भारतीय टीम श्रीलंका आने से पहले तैयार होकर आए क्योंकि ये श्रीलंका की टीम है ना कि वेस्टइंडीज की टीम, क्योंकि श्रीलंका की टीम वेस्टइंडीज से बहुत ही ज्यादा मजबूत है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को अंतिम मुकाबले में हराकर श्रीलंका की टीम आई है। साथ ही साथ भारतीय टीम का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाड़ियों से कमजोर है क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ियों में ज्यादातर खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के साथ रहकर उनके बारे में उनके क्रिकेट को भलीभांति जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को किस तरीके से परेशान किया जाए। तो वहीं महिला जयवर्धने ने कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाड़ियों से बचकर रहना होगा क्योंकि श्रीलंका के सबसे तेज गेंदबाज चमीरा का रिकॉर्ड भारतीय टीम के खिलाफ सबसे बेहतरीन है और जब जब चमीरा भारतीय टीम के खिलाफ खेलते हैं तो उनका प्रदर्शन अपने आप ही सुधर जाता है और चमीरा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके आए हैं, जिसके कारण उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा मजबूत हो गया है और भारतीय टीम के खिलाफ वो बेहतरीन प्रदर्शन जरूर करेंगे। और साथ ही साथ चमीरा बहुत ही ज्यादा कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं, जिसका नुकसान भारतीय टीम को हो सकता है और भारतीय टीम हार भी सकती है। और तो श्रीलंका के लसित मलिंगा ने कहा है कि भारतीय टीम को इस बार श्रीलंका की टीम और भी ज्यादा खतरनाक लगेगी क्योंकि चमीरा तो भारतीय टीम को परेशान करेंगे ही और उनके साथ महेश तक्षिणा अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं क्योंकि उनकी गेंदबाजी 5 की इकोनॉमी के साथ होती है और समय समय पर सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आउट करने में भी सक्षम रहते हैं। साथ ही साथ हसरंगा भारतीय टीम को जरूर परेशान करेंगे और हसरंगा ने भारतीय टीम को परेशान भी किया है और ये तीनों खिलाड़ी भारतीय टीम को अकेले ही हरा देंगे और इसी कारण से भारतीय टीम को श्रीलंका से बचकर रहना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है तीनों गेंदबाज भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।